बाल विवाह संरक्षण इकाई गोड्डा की सतर्कता से पथरगामा प्रखंड में रोका गया नाबालिग बालिकाओं का बाल विवाह। पथरगामा प्रखंड के पिपरा, बेल टिकरी एवं घाट बलिया गाँव में बाल विवाह के 4 अलग अलग मामले सामने आए। बाल संरक्षण इकाई गोड्डा को गुप्त सूचना मिलने के बाद संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर मामले की जानकारी दी गई। इसके उपरांत बाल संरक्षण की टीम से रितेश कुमार, जिला बाल संरक्षण अधिकारी ओम प्रकाश, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत राजेश कुमार गुप्ता, विधि पदाधिकारी के साथ साथ पथरगामा के प्रखंड अंचलाधिकारी राजू कमल और सहायक अवर निरीक्षक राम नरेश यादव के संयुक्त नेतृत्व में गांव पहुंचकर नाबालिग के परिजनों से मिले और मामले की जांच की। नाबालिगों के परिजनों ने बंद पत्र हस्ताक्षरित कर प्रशासन को आश्वासन दिया है कि वे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में निर्धारित लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष से पहले विवाह नहीं करेंगे और यदि वे नाबालिग के साथ करते हैं तो उन पर कानूनन समक्ष कार्रवाई की जा सकती है। जिला की टीम एवं अंचलाधिकारी पथरगामा ने साफ तौर पर कहा किसी भी कीमत पर बाल विवाह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग अपने से सावधानी बरतें अन्यथा प्रशासन निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। ग्रामीणों से भी बाल विवाह को रोकने के लिए आगे आने के लिए कहा क्योंकि जब तक ग्रामीण आगे नहीं आएंगे तब तक बाल विवाह जैसी कुप्रथा समाज से पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगी। ग्रामीणों को ऐसी बाल विवाह से संबंधित सूचना मिलने पर अविलंब प्रशासन को फोन कर सूचित करने के लिए भी कहा। वहीं बाल संरक्षण पदाधिकारी गोड्डा ने परिजनों को पूरे विस्तार पूर्वक बाल विवाह के दुष्परिणामों के विषय में बताया और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कानून को अमली जामा पहनाने में मदद करने की सलाह दी। अवैध बालू लदे 5 ट्रक जब्त। पथरगामा संवाददाता के अनुसार बुधवार को 11:30 बजे दिन में प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिली सूचना के आधार पर अंचलाधिकारी राजू कमल ने बारकोप मोड़ के पास से ओवरलोड बालू लदे 14 चक्का वाले 5 ट्रक को जब्त किया है। अंचलाधिकारी द्वारा गाड़ी को रुकवाते देख ड्राइवर गाड़ी लेकर तेज गति से भागने लगे। गाड़ी का पीछा करते हुए सभी ट्रक को जब्त कर लिया। सभी ट्रक त्रिपाल से पूरी तरह से ढके हुए थे। अंचलाधिकारी ने बताया कि जब्त ट्रक को थाना के हवाले करने हेतु थाना प्रभारी को फोन करने पर थाना प्रभारी ने क्राइम मीटिंग में होने की बात कहकर मौन हो गए। काफी देर इंतजार करने के बाद पेट्रोलिंग कर रहे प्रशिक्षु अवर निरीक्षक तपन कुमार पानीग्रही को बताने पर उन्होंने ट्रक को थाना लाया। सभी ड्राइवर भागने में सफल रहे। जब ट्रक पर कार्रवाई है तो अंचलाधिकारी ने उपायुक्त महोदय, सहायक जिला खनन पदाधिकारी, थाना प्रभारी को लिखित सूचना दे दी है। दी गई सूचना के अनुसार अंचलाधिकारी का कहना है कि उपायुक्त महोदया बार बार दूरभाष पर आदेश देती रहती हैं कि पथरगामा में अवैध बालू का कारोबार फल फूल रहा है, परंतु थाना प्रभारी के ढुलमुल रवैये के चलते पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराने के कारण अवैध बालू वाहन को जब्त करने में भी परेशानी हो रही है। वहीं थाना प्रभारी SPC ने कहा कि यदि कहीं भी गाड़ी जब्त करनी है तो हमें पहले सूचना करें, हमसे पुलिस बल की मदद मांगी जाए, हम पुलिस बल मुहैया कराएंगे। सुबह 11 बजे करीब प्रखंड विकास पदाधिकारी पथरगामा जिला बैठक के लिए जा रहे थे, उसी समय हमें सूचना फोन से वो किए कि यहाँ पे 4-5 ट्रक जो है ओवरलोडेड बहुत ही तेज गति से पथरगामा की ओर जाने वाली है। वो जोगनी मंदिर के पास वो पहुंचे हुए थे, तो इसी क्रम में मैं तुरंत अपने होमगार्ड के साथ वहां पर पहुंचा स्थल पर और सभी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह तेज गति से थे, रुके भी नहीं, हाथ देने के बावजूद वो चलते रहे, तो उन्हें फिर पीछा करते हुए सभी गाड़ी को रोका गया। सबकी रोकने के पश्चात चालक जो है सभी फरार हो गए। तब होमगार्ड की सुरक्षा में वहां देते हुए मैंने पथरगामा थाना प्रभारी को तुरंत कॉल किया कि यहां पे फोर्स भेजा जाए, कुछ अवैध गाड़ियां जो है परिवहन बालू लदे परिवहन कर रही हैं उन्हें थाना ले जाना है। तो थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि मैं क्राइम मीटिंग में हूँ। मैंने कहा ठीक है, थाना में किसी फोर्स को भेजा जाए जो यहाँ से ले जाए। तो फिर वो मौन हो गए, कुछ जवाब हमें दिए नहीं। तो मैंने फिर जिला अधिकारी अपने उपायुक्त महोदया को फोन किया कि ऐसा ऐसा मैटर है और थाना से फोर्स नहीं दिया जा रहा है। तो मैडम के आदेशानुसार तुरंत हमने फोटो खींच के उन्हें सूचित किया, बताया कि यहाँ यहाँ पर गाड़ी पकड़ी गई है। उसके बाद मैं होमगार्ड की सुरक्षा में देते हुए सभी गाड़ियों को मैं अंचल की ओर कूच किया। तो रास्ते में SI तपन कुमार पानीग्राही मिले, उन्हें मैं सौंपते हुए बोला कि वो सारी गाड़ियों को थाना में लगवाएं और मैं अपने अंचल में आ गया। करीब 5-6 बजे संध्या तक गाड़ियों को थाना में नहीं लाया गया था। सूचना देने के बावजूद मैंने दोबारा थाना प्रभारी को कॉल किया तो उनके द्वारा फिर टाल मटोल किया गया और बोले कि चौकीदार को ही बोलिए, होमगार्ड को ही बोलिए, वो अपने स्तर से लाएगा थाना। तो मैंने इसकी सूचना फिर जिला में दी और इस तरह का असहयोग थाना के द्वारा हमेशा किया जाता है। पहले भी 2-3 मौकों में हमने छापामारी की थी, उसमें भी सहयोग थाना के द्वारा नहीं मिला। इस प्रकार जो है बालू माफियाओं का हौसला जो है बढ़ता जा रहा है
और अवैध बालू परिवहन का मामला जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमें आज गोड्डा जिले में जेएमएम के समर्थकों ने अशोक स्तंभ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन में निर्दोष लोगों पर किए गए केस को लेकर विरोध जताया गया। कहा, अगर केस वापस नहीं लिया जाएगा तो एक दिवसीय धरना आज है तो कल अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इससे पहले कि प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम उठाए, इसे जांच कर जो निर्दोष लोग हैं उसे छोड़ दिया जाए। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने आज दो नए पावर सब स्टेशन के कुमरडी व कनभारा के पास किया शिलान्यास। कुमरडी सब स्टेशन का शिलान्यास लक्ष्मी चक्रवर्ती के हाथों करवाया गया। समस्या है और बिजली के लिए एक सब स्टेशन बने उसका हम लोगों ने प्रयास किया और आज दो सब स्टेशन जो है उसका शिलान्यास है और इसको नवंबर तक में पूरा होना है। एक ग्रिड जो है वो गांधीग्राम में बन रहा है, उसका भी डेट 31 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि ग्रिड और सब स्टेशन हो जाएगा तो बिजली की जो एक भारी किल्लत समस्या या यहाँ के लोगों को जो रोड पर आना पड़ता है शायद भविष्य में नहीं आना। इससे पूर्वी सिकटिया में भी देखिए, सिकटिया में जो हुआ था वो ग्रिड जो अब गांधीग्राम में, ये जो है सब स्टेशन। सब स्टेशन जो है वोल्टेज कैसे अच्छा होगा, कैसे फ्लक्चुएशन कम होगा, लोड कैसे कम होगा, इसके लिए यदि सब स्टेशन मान लीजिए कि किसी पंगे के कारण यदि 1-2 महीने डिले भी हो जाता है तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। महागामा प्रखंड अंतर्गत आरक्षी अधीक्षक के निर्देशानुसार गुप्त सूचना के आधार पर देर रात्रि 2013 से फरार चल रहे अपहरण कांड के अभियुक्त को महागामा थाना प्रभारी सूरज कुमार ओसी ने हिरासत में लिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान सूरज कुमार ने बताया, लोगाई के रहने वाले रियाजुद्दीन पर अपहरण का केस 2013 से चल रहा था, जिसे कांड संख्या 92/13 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।